लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिग बॉस ओटीटी 2 की शुरुआत हो गई है। शो में कुल 13 कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। इस बार शो को सुपरस्टार सलमान खान करने वाले हैं। ऐसे में शो को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता दोगुनी हुई है। इस शो में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। इस बार दर्शकों के पास भी खास पावर्स होंगे और उनके पास कंटेस्टेंट के घर का राशन तक कंट्रोल करने का पावर होगा। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 का लुत्फ आप आज रात 9 बजे से जियो सिनेमा में मुफ्त उठा सकते हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 की 13वीं कंटेस्टेंट पूजा भट्ट पलक कुरेस्वानी को घर के अंदर एंट्री नहीं मिली है। उन्हें कुछ देर के लिए बाहर होल्ड कर रखा गया है। एक्ट्रेस बेबिका दुबे ने बिग बॉस ओटीटी 2 में एंट्री मारी है। एक्ट्रेस के अलावा बेबिका एस्ट्रोलॉजर और डेंटिस्ट भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी भी एंट्री बिग बॉस ओटीटी 2 में हो चुकी है। आलिया बिग बॉस ओटीटी 2 की 8वीं कंटेस्टेंट बनी। आलिया सिद्दीकी की घर के अंदर एंट्री हो गई है। बिहार की मनीषा रानी के साथ जाद हदीद की भी घर में एंट्री हो चुकी है। दोनों ने घर वालों की मदद से अपना बेड भी खरीद लिया है। जाद हदीद की रैंकिंग को पैनल जज ने 5वें नंबर पर रखा है। इसी के साथ जाज को 90,000 बिग बॉस करेंसी मिली है। बिहार की रहने वाली डांसर मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 की 6वीं कंटेस्टेंट बनी। स्टेज पर जाते ही सलमान खान की कर दी बोलती बंद एक्ट्रेस ने शो बाहुबली के गाने हैं रात में नशा 13 पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एंट्री की है। जनता की वोटिंग के मुताबिक आकांक्षा को 3री रैंकिंग मिली है, लेकिन पैनल ने उन्हें होल्ड पर रख दिया है। आकांक्षा ने अभी तक घर में एंट्री नहीं की है। पूजा दिबांग, सनी लियोन, एमसी स्टैन और संदीप सिकंद पैनल की कुर्सी पर आए नजर। पैनल की कुर्सी पर आज बैठे जज सभी कंटेस्टेंट से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। कंटेस्टेंट को जांच परख के सभी जज लेकर मिलकर रैंकिंग करते नजर आ रहे हैं। इस सीजन में कई नामी गिरामी चेहरे नजर आने वाले हैं। इस शो में जिया शंकर, पलक नाज, अविनाश सचदेव, पुनीत सुपरस्टार, सारस गोचा, अभिषेक मलहान, फुकरा इंसान, जद हदीब, देविका दुबे, मनीषा रानी, पुलक पुरस्वानी, आलिया सिद्दीकी नजर आने वाले हैं।